स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? एंड आई रियली विश आप सब ठीक होंगे स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ 11.4, और 11.4 में हम बात करेंगे आपसे अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स की। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और मतलब व्हाट आर गोइंग टू बी द टॉपिक्स जिसको हम इसमें कवर करेंगे, तो जो आपको याद भी रखना चाहिए, क्योंकि जस्ट आई टोल्ड यू कि ये वीडियो हमारी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन हम हर पेज से जानने की कोशिश करते हैं। और इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप जो बोर्ड में आने वाले इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो भी आप देख सकते हैं, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अल्केन्स जो हैं वो क्या हैं और अल्काइल रेडिकल्स जो हैं वो क्या हैं, इसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल्स को तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जिनमें हम होमोलोगस सीरीज़ को कवर करेंगे, जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स को जो है वो कवर करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें हम कह सकते हैं कि अल्केन से अल्काइल रेडिकल्स कैसे बन सकते हैं, वो हम सब कवर करेंगे। इसके अलावा अल्काइल रेडिकल्स प्रोपाइल के और ब्यूटाइल के कैसे बन सकते हैं, यानी प्रोपेन के और ब्यूटेन के अल्काइल रेडिकल्स कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मे बी ये दो वीडियोस में मैं इसको स्प्लिट कर दूं या एक ही वीडियो में आपको कवर कर दूं। तो मजीद वीडियोस के लिए आप लिस्ट में जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर हम बात करें अबाउट अल्केन्स और उनके अल्काइल रेडिकल्स की, तो सबसे पहले अल्केन्स को समझते क्या हैं। तो अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स जो हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। तो बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, अल्केन्स को जो है वो पैराफिन्स क्यों कहा जाता है। तो इसका मतलब होता है, पैरा का मतलब होता है कि लेस, ठीक है, लिटिल, और एफिन का मतलब होता है एफिनिटी, यानी लेस एफिनिटी रखने वाले कंपाउंड अल्केन्स जो भी हैं, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है ये मीथेन है, ये एक अल्केन है, याद रखें जिसके आखिर में एन आ जाए वो अल्केन में कंसिडर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं अल्क मीन एनी नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पर आप अल्क को कहेंगे कि लेट्स से दैट वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन, अल्क का मतलब हो सकता है कोई भी कार्बन, जबकि एन का मतलब होता है कि सब सिंगली बॉन्डेड है। यानी इफ यू जस्ट रियली टॉक अबाउट मीथेन, तो हमने ये पीछे पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं ये सब अल्केन्स है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये सब सिंगली बॉन्डेड है। मीथेन में कार्बन देखें सब सिंगल बॉन्ड है, फिर ये हमारे पास ईथेन है इसमें भी सारे सिंगल बॉन्ड है, फिर प्रोपेन है इसमें भी सब सिंगल बॉन्ड है। तो एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, यानी जितने भी कार्बन एटम्स हैं सबके सिंगल बॉन्ड होंगे। और डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन या टर्मिनल हाइड्रोजन इनसे कम करते चले जाएं, तो हाइड्रोजन कम होने से ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है टर्मिनल कार्बन आप कह सकते हैं, इसकी वैलेंसी कम होती चली जाएगी। तो जब वैलेंसी कम होती चली जाएगी तो इट लिटरली मीन्स दैट कि वो रेडिकल बन जाएगा, तो फिर वो अल्क आयल रेडिकल्स बन जाएगा, यू नो इट एज अल्काइल रेडिकल। तो जिस तरह अभी ये CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो CH3 बन जाएगा, और उसका आप पहले मीथेन था, यानी एन लगा हुआ था मीथ के साथ, मीथ का मतलब एक कार्बन होता है, और यहाँ पर आप देखिए मीथाइल हो गया यहाँ पर, इसके अलावा ईथ एन है और यहाँ पर ये क्या हो गया, ईथ आयल हो गया, यानी ईथ एन अगर ये है तो ईथ आयल ये होगा। और मैं आपको चलें एक और बात बता देता हूँ, अल्केन को रिप्रेजेंट जो है वो आर से किया जाता है, ठीक है, आर का मतलब है इट कुड बी एनी ऑफ दिस वन। इसके अलावा आप आगे भी जा सकते हैं मजीद 11, 12, 13, 14 कार्बन लेके इवन लाखों तक, लेकिन व्हाट आई एम टॉकिंग यू, इसको सबको रिप्रेजेंट एक ही लेटर से किया जाएगा आर से, ठीक है। तो ये अल्केन को रिप्रेजेंट किया जाता है आर से, जबकि अल्काइल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है आर डैश से, यानी देखेंगे आप मिथाइल है उसके साथ डैश लगाई हुई है, तो डैश का मतलब है कि वैलेंसी अभी इनकम्प्लीट है, राइट। सो ये इनकी कह लें कि हाउ टू प्रोनाउंस देम, ये इनके नेम है और ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। तो आई होप कि आपको अल्केन्स के बारे में और अल्काइल रेडिकल्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब देयर जनरल फार्मूला, अब इनके जनरल फार्मूला को हम टेस्ट करें, CnH2n+2, ये देखें यहाँ पर सब में लगेगा ये फार्मूला। अब CnH2n+2 क्या है, CnH2n+2 अब ये क्या है, अब देखें अगर आप फॉर एग्जांपल एक कार्बन की बात करते हैं, लेट्स से दैट ओवर हियर, तो अब n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर n की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि अगर आपने यहाँ 1 प्लेस की है तो यहाँ पर भी 1 होगी, तो यहाँ पर C1 हो गया, दैट इज C1,
अब देखें यहां पर अगर वन वैल्यू डेफिनेटली इसकी वजह से हुई तो टू वन आर टू और टू प्लस टू क्या हुआ फोर, तो ये बन गया अल्केन का जनरल फॉर्मूला। यानी आप अगर एन सिर्फ कार्बन की वैल्यू जानते हैं तो हाइड्रोजन की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। यानी यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल कि अल्केन्स में अगर मेरे पास आठ कार्बन है तो उसके साथ पता नहीं कितने हाइड्रोजन होंगे। यू डोंट नीड टू वरी, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर कार्बन की वैल्यू आठ है, क्योंकि डेफिनेटली यू हैव अल्केन्स में आठ कार्बन है, तो आप ऐसा करें कि इसके टू के साथ उसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। सो टू एट दर क्या हो जाएगा 16, और 16 प्लस टू क्या होगा 18। सो लुक एट दैट, यहाँ पर 18 का आंसर है। सो अल्केन्स के ये कह लेंगे दीज आर द फार्मूलाज, राइट, दीज आर द जनरल फार्मूलाज। और ये याद रखें कि हर साल बोर्ड में एमसीक्यू आ जाता है कि अल्केन्स के जनरल फार्मूला क्या होते हैं। तो मैं अमूमन बच्चों को कहता हूँ कि ये आपने लाजमी तैयार करना है। सो सी एन एच टू एन प्लस टू, सो दैट इज गोइंग टू बी द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन्स। और एन का मतलब मैंने आपको बता दिया, इट्स अ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो इन अ केस ऑफ अल्केन्स एन रेंजेस फ्रॉम 1 to 40। अभी फिलहाल ये बात कर रहे हैं कि ये तो हमारे पास 10 तक यहाँ पे काउंटेबिलिटी है, लेकिन अब ये दे आर टॉकिंग अराउंड कि 1 से 40 तक अल्केन्स को आप केस कर सकते हैं। यानी चेन 40 कार्बन तक लंबी हो सकती है, जिस तरह तस्बी होती है ना, तस्बी कुड बी ऑफ 10 बीड्स, 10 मोतियों की हो सकती है, तो इट कुड बी मैक्सिमम, वो समझ लें वो भी एक चेन है, एक रिंग, अगर वो हमने बांधी हुई होती है दोनों टर्मिनल से तो वो एक रिंग बन जाता है। इस तरह कार्बन का भी रिंग बन सकता है और समथिंग लाइक स्ट्रेट चेन भी जा सकती है। सो इन दिस वे अल्केन्स फॉर्म द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज कंपाउंड। अब कहते हैं जी कि ये जो अल्केन्स हैं ये कुछ होमोलोगी शो करते हैं। ये होमोलोगी, होमोलोगी क्या होती है, होमो मीन्स सेम, लोगोस मीन प्लेस। यानी आप किसी एक को रोक दो सबको रोक दो। यानी कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, एक सिंपल सी तरीके से मैं आपको होमोलोगस का मीनिंग समझाता हूँ। अब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मीथेन जल सकता है, बर्निंग की बात करो तो ये भी जलेगा, ये भी जलेगा, ये भी जल जाएगा, ये भी जल जाएगा, जितने 1 से लेके 40 तक सब जल जाएंगे। ये है होमोलोगी। यानी कि आप अगर मीथेन को जला रहे हैं तो अगर इथेन भी जल रहा है तो कोई आपको खास फर्क नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों की खासियत एक जैसी है। तो ये होमोलोगी इसको हम कहेंगे, और सब कंपाउंड में ही प्रॉपर्टीज हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चलें एक और आपको एग्जाम्पल से ये बात समझा देता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसमें CH2 ये दो हाइड्रोजन और एक कार्बन ऐड करते हैं इसमें, इस कंपाउंड में, मीथेन में, तो आप देखें ये बन जाएगा ईथेन। यानी सी पहले 1 था, अब इसमें एक और ऐड हो गया 2 हो गए, और पहले 4 हाइड्रोजन थे 2 और ऐड हो गए तो 6 हो गए। अब इसमें मजीद अगर आप CH2 ऐड करें, यानी ईथेन में करें तो वो प्रोपेन बन जाएगा, फिर इसमें ऐड करें तो ब्यूटेन बन जाएगा। यानी CH2 ये हर कोई मेंबर CH2 का फर्क है सब में, तो ये भी एक होमोलोगी है। साइंसदान होमोलोगीज जो हैं वो ढूंढते रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने जो होमोलोगीज ढूंढी हैं डिफरेंट कंपाउंड में, तो वो उन्होंने हमें एक टॉपिक के तौर पे दिया। और स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखें ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये आपको अमूमन बोर्ड में पूछा जाता है। ऊपर वाले पैराग्राफ मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताया, अब ये मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ। और पैराफिन द लिटिल एफिन, ये आपको बतौर MCQ भी पूछा जा सकता है सवाल, कि व्हाट डू यू मीन बाय पैराफिन्स, या पैराफिन्स कौन होते हैं, व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, इस तरह के सवाल आपको बन सकते हैं। अब यहाँ पे होमोलोगो सीरीज की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको ग्रुप्स में यू नो डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी जिन कंपाउंड्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने ग्रुप्स बना दी हैं। अल्केन की होमोलोगो सीरीज है, अल्केन्स की भी है, अल्काइन्स की भी है। तो मैं अभी फिलहाल आपको इस लेक्चर के अंदर अल्केन्स के बारे में बता रहा हूँ, जबकि अल्केन्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब अल्कीन्स आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या होते हैं, और अल्काइन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अल्काइन्स क्या होते हैं याद रखें, ये एन का मतलब जो होता है ना, एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जबकि ईन का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं चेन में डबल बॉन्ड होगा, और आयन का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं चेन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसलिए ये डिफरेंट मेंबर्स बन जाते हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से ना ये अलग हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन हम अभी फिलहाल हमारा कंसर्न अल्केन्स है, और हम इसमें भी अल्केन्स को स्टडी करेंगे होमोलोगो सीरीज में, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर कोई दूसरे मेंबर की बात हो रही है। बहरहाल ये हमने ये जो सीरीज हम होमोलोगो सीरीज आपको पढ़ाते हैं इसमें अल्केन अल्कीन अल्काइन में तीनों में जो रूल अप्लाई हो सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। यानी सिर्फ अल्केन्स के नहीं बता रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल
लेकिन ऑल मेंबर्स ऑफ सीरीज कैन बी प्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला फॉर एग्जांपल, यानी सबका जनरल फार्मूला, अल्केन्स का भी है, अल्कीन्स का भी है और अल्काइन्स का भी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, अल्केन्स का भी मैंने आपको ये समझाया था। अब देखें ये CnH2n, अगर आपने अल्कीन बनाना है तो CnH2n बना लें आप, राइट, और अगर अल्काइन का बनाना है तो CnH2n-2 बना लें। तो ये अब आपको तीनों फार्मूला याद होने चाहिए। ये आपको एज एन MCQ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन अल्कीन अल्काइन, या फिर आपको ये फॉर्मूले कहीं लिखे होंगे और कहेंगे बताएं अल्केन का कौन सा है, अल्कीन अल्काइन का कौन सा है, ठीक है। और अल्काइल रेडिकल्स का मैं फौरन ही आपको बता देता हूँ, ये अल्काइल रेडिकल्स का CnH2n+1, राइट, ये अल्काइल रेडिकल्स का फॉर्मूला। तो चार हो गए फॉर्मूले जो अभी तक मैंने आपको बताए, राइट। तो आई होप यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो और आपको ये वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट कि सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज डिफर बाय वन यूनिट, यानी जितने भी मेंबर्स हैं वो एक यूनिट से डिफर करते हैं, CH2, राइट। और इसको देखें, 12 यूनिट्स कार्बन के हैं क्योंकि मास कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन के 2 यूनिट्स हैं, तो 12 और 2 14 हो गए, 14 यूनिट्स हो गए। तो 14 यूनिट्स का फर्क है, यानी इस मेंबर का इस मेंबर में CH2 का फर्क है। तो लिहाजा इन दोनों में आपस में 14 यूनिट्स का फर्क है। डेफिनेटली अगर इन दोनों में 14 यूनिट्स का फर्क है तो इन दोनों में भी 14 यूनिट्स का फर्क है, अगर इन दोनों में है तो इन दोनों में भी है। इस तरह ही आगे चलते चले जाएंगे। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग हियर। सो मॉलिक्यूलर मैसेस को देखा जाए तो अगर इसका इसका जो मॉलिक्यूलर मैस है 14 यूनिट्स ज्यादा कर दें तो ये इसका मैस बन जाएगा, अगर इसका मैस जो भी हुआ उसमें 14 यूनिट और बढ़ा दें तो इसका मैस बन जाएगा। यानी अगर हमें एक का मैस पता लग गया, समझ लें हम 1 से लेकर 40 तक सबका मैस आपको बता सकते हैं अल्केन्स के अंदर। स्टूडेंट्स उसके बाद जो है मजीद हम क्या बात कर सकते हैं आपसे, दैट इज़ दे हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सबसे पहला मेंबर जो है वो अगर चलता है तो सारे के सारे मेंबर्स कंबस्टेबल हैं, सारे जल सकते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है किसी हद तक सबकी सेम है, कंबस्टिबिलिटी, फ्लेमेशन वगैरह सबकी सेम होगी। इसके अलावा देर आर डिफरेंट रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं तो इसको कहते हैं ना कंबस्टिबिलिटी। अगर फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन से रिएक्शन कर रहे हैं तो सबका क्लोरीन से रिएक्शन करने का भी सिलसिला एक जैसा ही होगा। तो इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अल्काइल हैलाइड्स, ये R- और हैलाइड के लिए X, दिस इज नोन एज अल्काइल हैलाइड्स RX, इसको हम लिखते हैं। पर ये बातें कुछ और हैं, आप टेंशन ना इन चीज़ों की। अभी आप बस ये प्रॉपर्टी एक सेंटेंस याद रखें कि दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप्स। आप सोच रहे होंगे ये अल्केन में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, तो यू विल बी थिंकिंग अमेजिंग, ये एक अमेजिंग थिंकिंग आपके माइंड में आ रही होगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है यही इनका फंक्शनल ग्रुप है। यानी अल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और अल्कीन्स का क्या होगा फिर, डेफिनेटली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अल्काइन्स का क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सो उसके बाद स्टूडेंट्स दे आर गोइंग फॉर द सेकंड लास्ट सेंटेंस, द प्रॉपर्टी, और यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यू कैन से, राइट, ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स of compound having similar chemical properties, each group is known as homologous series. Organic compounds or the same homologous series have the property. आपको ये short आपको board में question आ सकता है कि what are the properties of homologous series, right? ये मैं सवाल लिखता हूँ। So ये मैंने सवाल लिख दिया, what are the properties of homologous series? ये आपको long question आ सकता है board में। उसके बाद students fourth point में कह रहे हैं कि there is a regular change in their physical properties. Definitely अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है इसका थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मैसेस बढ़ने से ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं ना, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मैस भी बढ़ता चला जाएगा, तो लिहाजा इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का तो चेंज आएगा। तो जैसे लेट्स से दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज मूवमेंट होती कौन कौन सी है, ये आज के बाद इस वीडियो के बाद दिमाग में बिठा लें कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, राइट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। टेस्ट, कलर, स्मेल, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। विस्कोसिटी, डेंसिटी, ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड सो ऑन। सो अब यहाँ पर ये फिलहाल सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट जस्ट टू, राइट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मैसेज। यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ते हैं अगर आप मॉलिक्यूलर मैसेज बढ़ा देते हैं, तो ये भी होमोलोगो सीरीज में ही है, चाहे वो अल्केन्स की हो, चाहे वो अल्कीन्स की हो, चाहे वो अल्काइन्स की हो। उसके बाद स्टूडेंट्स दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड्स। अल्केन्स को बनाया जा सकता है एक ही किस्म के मेथड्स के साथ। तो आप सोच रहे होंगे भाई अल्केन्स को कैसे बनाया जा सकता है, मतलब कहाँ बनाया जा सकता है, लैब में या इंडस्ट्री में? तो मैं आपको जल्दी से हिंट देता हूँ,
ये देखिए हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज हाइड्रोकार्बन, वेरी इंटरेस्टिंग, ये इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से। अब इस चैप्टर में देयर सेइंग के प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स और इनको बनाया जा सकता है हाइड्रोजिनेशन के मेथड्स, राइट, यू कैन मेक इट बाय हाइड्रोजिनेशन। अब देखो अगर आप फॉर एग्जांपल ओवर हेयर यू आर मेकिंग अल्केन, तो इसी मेथड से आप प्रोपेन भी बना सकते हो, ब्यूटेन भी बना सकते हो, राइट, या इवन पेंटेन भी बना सकते हो, या हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एंड डीकेन कोई भी बना सकते हो। फिर रिडक्शन है, रिडक्शन कर सकते हैं आप, तो रिडक्शन अल्काइल हैलाइड की होगी, तो उससे भी आप अल्केन बना सकते हैं। देखें अगर इससे इथेन बन रहा था तो इससे आप मीथेन बना पा रहे हो, सो दे हैव सम सिमिलर मेथड। देखें अगर मीथेन बन गया तो ऑल लुक एट दैट, इथेन भी उसी मेथड से बना है, दैट इज होमोलोगी। तो आप कहेंगे कि दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सेम जनरल मेथड्स। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया कि हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखिएगा इनको हम कहेंगे पेरेंट्स, इनको हम पेरेंट्स क्यों कहेंगे? अब आप सोच रहे होंगे इनको पेरेंट्स क्यों कहेंगे, क्योंकि इनसे ही आगे इनके डेरिवेटिव्स बनते हैं। हमने एक डेफिनेशन में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, यहाँ पर वी हैव अ डेफिनेशन। ओके सो लेट मी जस्ट गिव यू अ हिंट, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने स्टार्ट किया था, सॉरी ये मैं जरा म्यूट करना भूल गया। अच्छा जब हमने ये पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड द डेरिवेटिव्स, राइट, ये था हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स। तो ये है हाइड्रोकार्बन्स, राइट, ये है हाइड्रोकार्बन्स, उनके डेरिवेटिव्स क्या होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, कि अगर हमारे पास लेट से दैट मीथेन है, राइट, अब मीथेन है ना, तो अगर मीथेन होगा तो ये कंपाउंड बनेगा, दिस इज नोन एज क्लोरोमीथेन, राइट, दैट इज मीथेन, और ये क्या है, क्लोरोमीथेन। आप सब सोच रहे होंगे कि मीथेन होगा तो क्लोरोमीथेन बनेगा, तो आंसर इज राइट, ठीक है, द आंसर इज राइट। सो ये है कंपाउंड, या कह लें ये है हाइड्रोकार्बन, राइट, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, ये है हाइड्रोकार्बन और ये है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। सो ये आप सबको पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोकार्बन है, इसका डेरिवेटिव है, अगर ये मदर कंपाउंड है, राइट, दैट इज अ मदर कंपाउंड, अगर ये मदर कंपाउंड है तो दैट इज अ चाइल्ड कंपाउंड, अगर ये होगा तो ये होगा। सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग, के जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं दे आर बीइंग कंसिडर्ड एज द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, and all other compounds are considered to be derivatives or derived one from the substituting one or more hydrogen atoms. और अब चले मैं आपको यहाँ पर ये भी समझा देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मीथेन है, राइट, ये मीथेन है, अब हमने क्या करना है, इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेना है, और फिर क्या होगा, अगर हम उस हाइड्रोजन को वहाँ से निकाल लेंगे, इस हाइड्रोजन को निकाल लेंगे यहाँ से, यहाँ पर क्लोरिन ऐड कर देते हैं, लुक एट दैट, राइट, तो ये एक निकाला हाइड्रोजन तो यहाँ पर क्लोरीन ऐड कर दिया, क्योंकि दोनों की हाइड्रोजन की वैलेंसी भी वन है और क्लोरीन की भी वन है, तो दोनों इसकी जगह पे ये लग सकता है। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग हियर, कि भाई देर इज सम काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट गोइंग ऑन विद द हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स के साथ कुछ रिप्लेसमेंट्स चल रही हैं, और वो रिप्लेसमेंट के बाद जो नतीजे आते हैं वो डेरिवेटिव्स के आते हैं। चाहे एक हाइड्रोजन ये भी निकाल दें, बेशक यहाँ पे अगर यहाँ पे एक और क्लोरीन आएगा दैट इज डायक्लोर। अब आप सोच रहे होंगे सर मीथेन के साथ ऐसा हो सकता है, द आंसर इज नो, आप किसी भी कंपाउंड के साथ ऐसा कर सकते हैं, यू कैन टॉक इट विद ईथेन, आप प्रोपेन, ब्यूटेन किसी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, और क्लोरीन लगाकर हाइड्रोजन निकालकर आप कुछ भी कर सकते हैं। सो हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बाय वन और मोर रिएक्टिव एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, आप एक हाइड्रोजन को निकाल दें या कुछ ज़्यादा हाइड्रोजन को निकाल दें और दूसरे उनकी जगह पे आप एक कोई रिएक्टिव एटम एक लगा दें या एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ कोई रिएक्टिव एटम लगा दें। जैसे लेट्स से दैट यहाँ पर तो अभी मैंने क्लोरीन लगाया, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्लोरीन, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, OH लगा दिया, तब ये अल्कोहल बन गई है, दैट इज मीथानोल। पहले क्या था, क्लोरोमीथेन था, ठीक है, क्लोरोमीथेन, ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग हियर। और याद रखिएगा ये मीथेन है, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये मीथेन है, कैसे है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें, अब आप कहेंगे सर ये जब एक हाइड्रोजन चला गया तो ये मीथेन कैसे हुआ, ये मीथेन तो नहीं रहा ना, मीथेन तो ये हाइड्रोजन था, ये मीथेन था, तो जब क्लोरीन यहाँ पर लग गया तो ये मीथेन तो ना हुआ, लेकिन ये अभी भी मीथेन है, क्यों, क्योंकि मीथ का मतलब होता है एक कार्बन,
और एन का मतलब होता है कि कार्बन सारे सिंगली बॉन्डेड हैं, तो मीथेन ही हुआ ना, ये देखें कार्बन सारे सिंगली बॉन्डेड हैं, बेशक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गया लेकिन है तो सिंगल बॉन्ड ना, दैट इज मीथेन। तो आई होप दिस वीडियो लेक्चर आपको कहीं जाने नहीं दे रहा होगा, लेकिन दैट्स इट, अभी तक के लिए जो है इतना ही है। अभी आप डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाके मज़ीद मेरी अगली वीडियो को सर्च कर लें, और फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा, इफ़ येस तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।